एडोलेसेंस लाइफ का वो पीरियड, वो पार्ट है जहाँ पे ना सिर्फ हमारा हाइट इंक्रीज करता है बल्कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है। एडोलेसेंस इज अ होल पीरियड और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है प्यूबर्टी। तो आपको यहाँ से विजिबल होगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो इंक्रीज इन हाइट मेल का आफ्टर एडोलेसेंस, शोल्डर को अगर आप जो ध्यान से देखें तो इसका वेट इंक्रीज कर जाता है। वही फीमेल में आपका जो वेस्ट रीजन के नीचे का एरिया है यानी जो आपका हिप पोर्शन है वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसी के वजह से फेस में कई बार आप लोगों को दिखा होगा कि पिंपल्स या एक्ने देखने को मिलता है इस एज ग्रुप के बच्चों में। तो मेल का वॉइस कहेंगे कि डीप हो जाता है, फीमेल का हम लोग कहेंगे कि हाई पिच हो जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट ये है स्पर्म का डायग्राम। फीमेल का कॉम्पोजिशन क्या होता है तो ये कहेंगे XX होता है, मेल का क्या होता है XY होता है, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अल्बेडो जहां आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस वीडियो में आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एडोलेसेंस होता क्या है और उसमें क्या क्या सारी चेंजेस आते हैं और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इस एज ग्रुप में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि एडोलेसेंस होता क्या है। तो एडोलेसेंस लाइफ का वो पीरियड, वो पार्ट है जहां पे हम लोग क्या होते हैं कि ना सिर्फ हमारा हाइट इंक्रीज करता है बल्कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या होते हैं आफ्टर एडोलेसेंट पीरियड हमारा जो सेक्स ऑर्गन से वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है एंड नाउ वी बिकम एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, ये पीरियड स्टार्ट कब से कब तक होता है? तो ये पीरियड स्टार्ट होता है आपका 11 इयर्स ऑफ एज से लेकर के और लास्ट करता है अप टू 18 और 19 इयर्स। ओके, इस एज ग्रुप को हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी एज ग्रुप में आते हैं 13 टू 19 नंबर, ठीक है। तो ये जो एज ग्रुप नंबर है इसमें लास्ट में एडेड है टीन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इस एज ग्रुप का नाम टीनेजर्स भी पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में एक और टर्म एडेड है जिसका नाम है प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडोलेसेंस और प्यूबर्टी आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए, एडोलेसेंस इज अ होल पीरियड और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है प्यूबर्टी। लाइक हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई भी प्यूबर्टी रीच कर चुका है यानी वहां तक पहुंच गया है तो मतलब अब वो क्या है, सेक्सुअली मैच्योर कर गया है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उन लोगों में। ओके, मतलब अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे विजिबल है कि ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जिन्होंने रोल प्ले किया था शाहरुख खान के बेटे का, याद रखिएगा बेटा कहा मैंने। ओके, तो इन्होंने मेल कैरेक्टर प्ले किया था और ये मूवी थी कभी अलविदा ना कहना, आप में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी शायद। अब आप इस फोटो को देख करके ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में गर्ल है या बॉय, क्योंकि इनकी जो एज थी उस टाइम पे वो थी अराउंड 7 to 8 ईयर्स, बट एक्चुअली सी इज अ गर्ल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फोटो जो अभी करेंट की है। तो ये जो आपको डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स जो होते हैं यही किस में आता है आपका, आफ्टर प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी रीच कर जाते हो, ये जो एडोलेसेंस का पूरा पीरियड होता है जो आपको मेल और फीमेल का जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो बॉडी में फीचर्स होते हैं वो सारे कब डेवलप करते हैं, तो इसी पीरियड में डेवलप करते हैं। इस फोटो को देख करके शायद आप पहचान ना सके, शायद आप कह ना सके कि ये मेल है या फीमेल है, बट इस फोटो को देख करके आप जरूर कह सकते हैं कि ये फोटो एक फीमेल की है। और यही कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है, यही फीचर्स का जो डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आपको यहाँ से विजिबल होगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो इंक्रीज इन हाइट, ओके, हाइट का इंक्रीज होता है। अब आप कहोगे कि मैम चाइल्ड वाले स्टेज में भी तो हाइट इंक्रीज करता है, ऑफ कोर्स बेटा उसमें भी करता है, बट जो एडोलेसेंस पीरियड है उसमें भी आपका हाइट में ग्रोथ होता है, मगर यूजुअली इन्फेंट वाले स्टेज में क्या होता है ना कि मेल फीमेल ऑलमोस्ट सेम चलता है, लेकिन जो इस पीरियड में है उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद फीमेल का जो ग्रोथ रेट है, जो हाइट इंक्रीज करने का रेट होता है, वो मेल के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है और एक टाइम पे जाके रुक जाता है। बट मेल का क्या है कि इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, इसलिए आप देखते होंगे कि यूजुअली जो
जूनियर क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहां पे मेल फीमेल दोनों का हाइट ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम एज पे, इनफैक्ट कई बार लड़कियों का ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लोग एडोलेसेंस पीरियड को कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि अचानक से कोई बच्चा इतना छोटा था और उसकी हाइट सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रही है। पहले आप लोग मिलीमीटर वाइज आप लोग ग्रो कर रहे थे, अचानक से सेंटीमीटर में डिफरेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो बॉडी शेप। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेल है, ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि मेल और फीमेल का अगर हम लोग जेनाइटल्स वाला पार्ट छोड़ दें तो रेस्ट बॉडी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन बाहर से जो फिजिकली अपीयर होता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन मेल का आफ्टर एडोलेसेंस जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं तो उनके शोल्डर को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसका वेट इंक्रीज कर जाता है। वही फीमेल में आपका जो वेस्ट रीजन के नीचे का एरिया है, यानी जो आपका हिप पोर्शन है, वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो मेल और फीमेल दोनों में ही पूरा बॉडी हेयर्स निकलना, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किस में होते हैं? मेल में होते हैं। आपको देखने को मिलता है मूस्टैच बियर्ड जो निकलता है मेल के फेस पे, और साथ ही साथ आपके अंडर आर्म्स में भी हेयर ग्रो करते हैं, जेनाइटल्स में करते हैं। ओके, इसके अलावा जो कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लाइक मेल में आपका जो सेक्स हार्मोन है उसका डेवलपमेंट होता है, वही फीमेल में भी सेक्स हार्मोन बनता है, हालांकि दोनों हार्मोन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं इसी के वजह से फेस में कई बार आप लोगों को दिखा होगा कि पिंपल्स या एक्ने देखने को मिलता है इस एज ग्रुप के बच्चों में। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को विजुअल होगा, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये एक्चुअली में है एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये प्रोमिनेंट किस केस में होता है? तो मेल में ये ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें वॉइस की, तो मेल का वॉइस कैसा होता है? तो मेल का वॉइस कहेंगे कि डीप हो जाता है, ठीक है। और फीमेल का कैसा होता है? फीमेल का हम लोग कहेंगे कि हाई पिच हो जाता है। ओके, जैसे बचपन में आप लोगों ने बच्चों की आवाज आप देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, मतलब आप उनकी आवाज को ऐसे, अब सिर्फ आवाज सुनो तो आप नहीं कह पाओगे कि अच्छा ये बच्चा बोल रहा है या बच्ची बोल रही है। बट जब आप ऑलमोस्ट एडल्ट हो जाते हो, जब आप प्यूबर्टी रीच कर जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मेल के आवाज में एक अलग सा भारीपन आता है, अलग सा डेप्थ आ जाता है, वही फीमेल का आवाज थोड़ा सा पतला हो जाता है। और अगर आप उस टाइम पे मेल और फीमेल के आवाज को सुनो तो आप क्लियरली जज कर पाते हो कि इसका अब ये कौन है, मेल है या फीमेल है। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। क्या निकलता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड से? तो हमारा निकलता है सीबम, इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस एज ग्रुप वालों में हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी की, रिप्रोडक्टिवली यू नो मैच्योरिटी की, तो क्या होगा हमारा? पहला तो है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है, और साथ ही उसमें से हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आपको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये है फीमेल का। ये क्या है हमारा? तो ये है हमारा ओवरी, ठीक है। ओवरी से क्या होता है? ओवा का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही ये क्या हो गया आपका? तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। या फिर हम लोग इसको बच्चे बोल सकते हैं ओविडक्ट, ठीक है। इसका काम होता है ओवा यानी एग को कैरी कर ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। ओवा रिलीज यहां से होता है और इसी से वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ। और आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो फिर वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में क्या होती है कि इम्प्लांटेशन इस पोर्शन पे होती है। किस पोर्शन में बच्चों? तो इस पोर्शन में, ठीक है। यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है, ये जो पूरा यूट्रस है आपका, इसी के इनर लाइनिंग में जा करके आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ओवा रिलीज हुआ एंड देन वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो क्या हो? आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी नो की प्रेगनेंसी होती है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो क्या होता है, ओवा डिजेनरेट करता है और फिर वो जो आपका ब्लीडिंग फेज आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उससे क्या होता है, वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है
कि जो फीमेल होती है उनका जो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड निकलता है उसका पाथवे और यूरिनेशन का पाथवे दोनों सेपरेट पैसेज होते हैं, ठीक है। अगर मेल के केस में ऐसा नहीं होता, मेल में कॉमन पाथवे होता है यूरेथ्रा, वहां से वो लोग यूरिन भी यूरिनेट भी करते हैं और साथ ही साथ इजैकुलेट भी करते हैं स्पर्म का। तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है ये क्या है, हमारा यूट्रस है, इसी में इम्प्लांटेशन होती है। इसके नीचे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है सर्विक्स एंड द लास्ट वन दिस इज कॉल्ड वजाइना। ओके, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जब मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की है तो आपको पता है कि ये जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है और इसी पीरियड में जो हमारे 4 to 5 days का जो एक डे होता है, 4 to 5 days जो होते हैं वो होती है हमारी ब्लीडिंग पीरियड, जहां से ब्लड निकलता है। तो ब्लड कहाँ से निकलता है, वजाइना से। ओके, नेक्स्ट थिंग कि जो सबसे पहला ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क। वही जो हमारा लास्ट ब्लीडिंग होता है यानी फीमेल का क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है, ओवा का प्रोडक्शन रुक जाता है, यानी कि फीमेल फर्टाइल अब नहीं रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस पीरियड को बोलते हैं हम लोग मेनोपॉज। अगर कोई फीमेल मेनोपॉज स्टेज में जा चुकी है मतलब कि अब वो रिप्रोडक्टिव पीरियड से बाहर निकल चुकी है या अब वो फर्टाइल नहीं रही। इस पीरियड किसके अराउंड होता है, तो आपको पता है कि ये फीमेल में 45 years के अराउंड में देखा जाता है। नेक्स्ट ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होता है हमारा टेस्टिस का पोर्शन। आपको पता है कि यहीं पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ये जो डक्ट दिख रहा है आपको इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग वास डिफरेंस भी बोलते हैं, और इसका काम होता है आपको स्पर्म को कैरी करना। कहाँ कैरी करके लाता है, तो ये लाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। और ये जो आपको पिंकिश कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है मस्कुलर पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। ओके, नेक्स्ट ये है स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। ये जो पोर्शन है हमारा इसको हम लोग कहते हैं हेड, ये जो बीच का पार्ट है इसको कहेंगे हम लोग मिडिल पीस, एंड देन ये नीचे वाला जो आपको टेल लाइक पोर्शन दिख रहा है, और इसका टेल क्या होता है एक्चुअली जो स्पर्म रिलीज होता है ना, वो सिर्फ स्पर्म नहीं रहता, साथ ही साथ उसमें प्रेजेंट होते हैं सेमाइनल फ्लूइड। इसी सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म फ्लोट कर रहा होता है, और ये फ्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, तो करता है टेल। मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको फ्लोट करने के लिए एनर्जी देता है। वही जो हेड है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में आपके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि फीमेल और मेल में क्या होता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब है कि 23 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम नंबर है, तो आप बोलते हैं 46 या 23 पेयर्स, पर यही जब वो सेक्स गैमेट बन जाते हैं तो दोनों में हाफ हाफ होता है, यानी कि मेल में भी हाफ, मेल गैमेट में भी हाफ, फीमेल गैमेट में भी हाफ। और जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं तब बनाते हैं जायगोट, और वहां पे वापस से क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, रीस्टोर कर जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये स्पर्म के डायग्राम्स को देखो, यहाँ जो न्यूक्लियस है आपका जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये मिडिल पीस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये फ्लोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब इमोशनल क्या क्या चेंज होते हैं, मेंटल इंटेलेक्चुअल तो समझ में आता है कि हमारा आईक्यू ग्रो करता है, हमें चीजें समझ में आने लगती है। अब जैसे कोई बच्चा है वो कहीं भी लाइक कुछ भी कर दे रहा है, कहीं भी यूरिनेट कर देता है, मतलब तो बच्चों में ये सब चीजें हैबिट डेवलप करने में टाइम लगती है। पर जब आप इस स्टेज में पहुंचते हो तब आपको इन सब की बात पता होती है कि आपको कहीं भी किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और साथ ही साथ आपका आईक्यू लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। जब बात इमोशनल मैच्योरिटी की आती है तो यहाँ क्या होता है, तो इमोशनल मैच्योरिटी में आपका जो बहुत सारे यू नो इमोशनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, आप अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हो, और बहुत तरह के कंफ्यूजन और मन में बहुत तरह की क्यूरियोसिटी और बहुत तरह की बातें आपको जानने का मन करता है, क्यूरियोसिटी लेवल आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो ये होता है आप में इमोशनल चेंजेस जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हो। नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का पार्ट, आपको यहाँ दिख रहा है ये कौन है, ये है फीमेल और ये कौन है मेल।
फीमेल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो ये कहेंगे एक्स एक्स होता है, मेल का क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो मेल और जो फीमेल होते हैं उनके जो सेक्स गैमेट होते हैं उसमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 23 पेयर्स होता है यूजुअली, और इसमें से जो एक पेयर होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स का। क्यों बोलते हैं हम लोग इसको सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो आने वाले जो प्रोजनी है जो बच्चे हैं उनका सेक्स क्या होने जा रहा है। अब हम लोग को पता है कि मेल का क्या होता है और फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, तो फीमेल में होता है डबल एक्स और मेल में होता है एक्स एंड वाई। तो जब ये लोग गैमेट बनाएंगे तो ये लोग क्या फॉर्म करेंगे, इसका एक्स एंड वाई हो जाएगा, फीमेल का एक्स और एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अब होता है कि इसमें जो आने वाला बच्चा है वो क्या होगा, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। कैसे, अगर ये एक्स कंबाइन कर जाए इस एक्स के साथ तो क्या बना देगा, एक्स एक्स दैट इज फीमेल, अगेन दिस एक्स एंड दिस एक्स व्हाट विल दे फॉर्म, अगेन एक्स एंड एक्स, ओके। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे फीमेल, ठीक है, यानी जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होने के चांस है। लेकिन अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ बन रहा है तो क्या बना देगा, एक्स वाई, अगेन दिस वन विल फॉर्म एक्स वाई। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी से अगर हम लोग मेल और फीमेल का रेशियो निकाले तो जो होने के चांसेस, यानी जो बच्चे के होने के चांसेस होते हैं वो ये होता है कि तो उसमें से मेल का 50% चांस होता है कि जो होने वाला बच्चा है वो या तो 50% मेल हो सकता है 50% फीमेल हो सकता है। हम लोग इसको डिटरमाइन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जानना हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है कहाँ से, तो होता है आपका ग्लैंड से। तो किस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड का होता है दो टाइप, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हार्मोन जो सिक्रीट करता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसके पास अपना डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो आखिर ये टारगेट साइट के पास जाता कहाँ है। अब टारगेट साइट क्या होता है, तो टारगेट साइट वो होता है जहां पे जाके इस हार्मोन को एक्ट करना है, जहां से ये बोलेगा कि नहीं ये वाला हार्मोन रिलीज करो उस पार्ट को, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है वो अपने टारगेट साइट पे जाके एक्ट करता है और ये ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड इसको कैरी करता है क्योंकि इस ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, वो पढ़ना है हम लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ब्रेन में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या रिलीज होता है, यूं तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो बाकी जितने भी ग्लैंड होते हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, पिट्यूटरी के हाथ में। ये डायरेक्ट करता है कि हाँ अब हार्मोन इसका रिलीज करना है यहाँ से, या फिर हार्मोन अब रिलीज नहीं करना है। तो इनहिबिट भी यही करता है और एक्टिवेट भी यही करता है, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब इसके अलावा यूं तो बहुत सारे हार्मोन पढ़ने हैं, बट आपको जो जानना है वो जानना है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज होता है पिट्यूटरी से, जो प्रेजेंट होती है हमारी ब्रेन के अंदर, और ये ग्रोथ हार्मोन ही डिसाइड करती है कि आपका लेंथ कितना इंक्रीज होने वाला है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा, बच्चे जो है वो छोटे हो जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं। और ये अगर एक्सेस रिलीज हो गई तो क्या होता है, गिगेंटिज्म हो जाता है, यानी कि जाइंट जैसा दिखने लगता है आदमी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे दूसरे ग्लैंड पे जिसका नाम है थायराइड। थायराइड से रिलीज होता है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन का क्या काम है, तो थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का, जिसको हम लोग बोलते हैं BMR या वेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, तो ये निकालता है पैराथॉर्मोन।
पैराथ हार्मोन तुम्हारा कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है बॉडी में, उसका ब्लड लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग को जो जानना है वो जानना है पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। पैंक्रियाज क्या होता है? तो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। पैंक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है हमारा? इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को जानना है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है हमारा किडनी के ऊपर। और ये एड्रीनल ग्लैंड आपका क्या रिलीज करता है? तो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन। इसी एड्रीनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चे लोग इमरजेंसी हार्मोन? क्योंकि ये इमरजेंसी के केस में भी रिलीज होता है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं क्योंकि स्ट्रेस एनवायरनमेंट में इसका रिलीज होता है। स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्या? आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, या आपको किसी से भागना है, या फिर आप लड़ रहे होते हो, तो ऐसे स्ट्रेस एनवायरनमेंट में ही एड्रेनलिन का रिलीज होता है। और ये एड्रेनलिन आपको ना सिर्फ स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होता है, बल्कि इसके साथ साथ इसका और क्या काम है? तो सॉल्ट का बैलेंस करने का, जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं आपके अंदर उसको बैलेंस करने का काम एड्रेनलिन करता है। इसके बाद आता है आपका ओवरी और टेस्टिस। ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल में, टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल में। टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? तो टेस्टिस से हम लोग कहेंगे टेस्टिस से बच्चे लोग क्या रिलीज होता है? तो टेस्टिस से रिलीज होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ओवा से क्या निकलता है? तो एस्ट्रोजन। आप इसको एस्ट्रो भी लिख सकते हो, एस्ट्रो भी लिख सकते हो। दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम वही होता है कि जो डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गेन का उसमें हेल्प करना, और साथ ही साथ स्पर्म का एंड ओवा का फॉर्मेशन करना। टेस्टोस्टेरोन है तो स्पर्म हो जाएगा, एस्ट्रोजन है तो ओवम हो जाएगा। नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। टैडपोल जो कि फ्रॉग का बचपन का स्टेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके पास अपना कोई लेग्स नहीं है, इसके पास है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या करता है? वाटर में स्विम कर रहा होता है। आपको पता है कि फ्रॉग क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एग से ये बनता है टैडपोल, टैडपोल जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा होता है। वही जो ये फ्रॉग है, इसके पास आपको ये छोटे छोटे लेग्स दिख रहे हैं। ये जो लेग्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं इसको लैंड पे भी सर्वाइव करने में। और ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? तो ये होता है एम्फीबियन। तो आप लोगों को दिख रहा है कितना ड्रास्टिक चेंज है इन दोनों में। और इसी चेंज को कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करता है? तो इसमें हेल्प करता है हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के ही प्रेजेंट में ये आपको मेटामॉर्फोसिस होता है। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आपको पता है कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से उन्होंने डायरेक्शन भेजा हार्मोन के थ्रू बाकी ग्लैंड्स को कि जाओ जाके फंक्शन करो, ठीक है। तो ये कहां पहुंचता है? हमारे टारगेट साइट पे। और फिर ये टारगेट साइट पे क्या करता है? जाके एक्ट करेगा। कैसे ये ट्रैवल करता है? तो ये ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड, और जाता है हार्मोन टारगेट साइट पे, इस पे एक्ट करता है, एंड देन फर्दर प्रोसेस चालू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये तो सारे हो गए आपके चेंजेस के, एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, और क्या क्या चेंजेस आते हैं इस दौरान, ठीक है। इसके साथ हम लोग को जो जानना है वो जानना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो पता है कि इस, क्योंकि इस पीरियड में हमारा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा होता है बहुत ही ज्यादा, हमारे हाइट इंक्रीज कर रहा है, हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरी है? तो बैलेंस डाइट का लेना, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब क्या? बैलेंस डाइट जहां पे प्रॉपरली विटामिन और जो हमारे मिनरल्स होते हैं सब कुछ आपका इक्वल लेवल में, यानी कि हर एक चीज का आपके बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग खा रहे हो। आप ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो तो सिर्फ कार्ब्स ही खाते जा रहे हो, आप फैट और प्रोटीन को नेगलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप फैट खाना छोड़ दे रहे हो। क्योंकि आजकल के बच्चों में क्या होता है ना कि मोटा नहीं होना है,
इसके लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि कार्ब्स को या फैट को इग्नोर करते हैं कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कार्ब्स ही यानी ग्लूकोज ही हमारे एनर्जी का सोर्स है, ग्लूकोज ही टूटता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जाके जंक फूड खाना शुरू कर दो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अपने डाइट में सब कुछ थोड़ा 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 ऐड करना चाहिए ताकि आपके बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं हो, क्योंकि इस चीज में डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपका बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा। और क्या हमें ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है फिजिकल एक्टिविटी का, यानी जितना हो सके भागना दौड़ना खेलना कूदना हम लोग जितना करेंगे, जितना अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना ही हमें ग्रोथ में हमारे डेवलपमेंट में हेल्प होगा। नेक्स्ट ये आता है हमारा से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स किसी भी टाइप के हो, क्योंकि इस एज में आपका इमोशनल चेंजेस हो रहा होता है तो बहुत तरह की क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या होगा, मतलब ड्रग्स लेके देखते हैं क्या होता है, अल्कोहल पी के देखते हैं क्या होता है, बट बच्चों ये आपको नहीं करना है। ये आपके हेल्थ के लिए ही सिर्फ खराब नहीं होता है, ये ना सिर्फ आपका करियर आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा, साथ ही साथ आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको भी इन सब चीजों से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी आप अल्कोहल या ड्रग्स या कुछ भी चीज अपने डाइट में लेते हो या कुछ भी चीज खाते हो उसके बाद जो आपका बिहेवियर है वो थोड़ा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता और आप कुछ भी हरकत करते हो, और वैसे एक्टिविटी से आपके सोसाइटी वालों को भी प्रॉब्लम होती है, आपके आपका जो फ्यूचर होगा, आपका जो करियर होगा, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कहीं और बिजी हो जाओगे। तो ये सारे क्या होते हैं आपके डिस्ट्रैक्शन के पार्ट होते हैं, इसलिए अगर कोई बोलता है आपको कि चलो स्मोक कर लेते हैं या चलो अल्कोहल पी के देखते हैं कैसा होता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। इसके अलावा हम लोग को और क्या ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया कि इस पीरियड में आपका सेबेसियस ग्लैंड का एक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर जाता है तो सीवम का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो आपको अपने हाइजीन का काफी अच्छा ख्याल रखना है, हमेशा नहाना है, बात लेना है हमेशा। अब ये तो हो गई हमारी सारी स्टोरी, नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन पार्ट। तो ये आपको आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि एडोलेसेंट को क्यों केयरफुल होना चाहिए अपने डाइट के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके जो बॉडी में काफी तरह के ग्रोथ या बहुत तरह के डेवलपमेंट चलते रहते हैं, तो उस डेवलपमेंट के लिए आपका जो न्यूट्रिशन का इंटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज इन वेमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, कब रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होगा। तो मैंने बताया था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जब वो डेवलप होने लगता है, यानी जब ओवम का रिलीज होता है, जब एग का रिलीज होता है, तभी तो वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर करेगी फीमेल, तभी तो वो फर्टिलाइज कर पाएगी एग को स्पर्म से। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही जाएगा, तो जब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है यानी कि एग का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, और यही रीजन है कि चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट मील फॉर एडोलेसेंस, ये भी मैंने बैलेंस डाइट में बताया है कि एडोलेसेंस पीरियड में राइट मील आपका क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ये स्लाइड में आपको टेलीग्राम लिंक पे हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक में आपको ये वाला मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, ये पीडीएफ आप वहां से जा सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर के हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू।